भी कर सकती सर। सबको अपनी अपनी पड़ी है, हमारे बारे में तो कोई सोचता भी ना है। सड़ों को होली पे चोट लग गई, इनको पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, कौन सी प्रलय आएगी। माँ, क्या हुआ माँ, वैसे क्यों बैठी? उछड़ा हुआ है, जा यहां से। माँ, तूने करीना को कुछ बोला? अरे तेरे को पता ना वो कैसी है, मेरे ऊपर आके भड़क गई और कहती बड़ों को सबक सिखाओ। क्या हुआ माँ? लक्की, हरे को क्या लगता है, मेरा दिमाग खराब है या मैं पागल हो गई हूँ जो करीना को कुछ बोलूंगी? मारे को पता ना है कि वो कैसी है, और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, और बड़ो होली पे अपने जलवे दिखा चुकी है, फिर उससे क्या छुपा है? तेरे सर में दर्द है ना, मैं सर दबा देता हूँ। छोड़, भी आई मैं। कहाँ जा रही है? अरे बैठ तो। ये माँ भी ना, करीना बेंच भी थोड़ी अजीब से, इसे कैसे मैंने कपड़े दे दिए और बोला मालकिन माजी से, और फिर मालकिन क्या करूं? अजय, एक मिनट रुको, मुझे ना तुमसे एक काम है। कहिए ना, क्या हुआ? ये मिठाई का डब्बा पकड़ो, इसे ना सिरसा मार्केट में जाके छोटे मामा जी को दे देना, और उनको कहना कि ये डब्बे छोटी मामी ने बड़ो भाभी की माँ के लिए भिजवाए हैं, जो सिरसा मार्केट में सुनार की दुकान पे है, तो ये डब्बे वो उन्हें जाके दे दें। समझ गए ना? आपने इतने अच्छे से समझाया, समझ गया, मैं दे आऊंगा। तो जाओ। सॉरी छोटी मामी, इस बार आपकी पैंट बचेगी, लेकिन झूम लो, क्योंकि आगे जाके जो होने वाला है ना, उसका अंदाजा तो पूरे अहलावत खानदान को भी नहीं है। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? और तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया में खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभी मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ, वो उसका कॉल आया था,
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।